इससे आप कूल नहीं, इससे आप नामा कूल बन रहे हैं। और आज हम इन्हें कंपेयर भी करने वाले, ये आपकी जान तो ले ही सकता है वेप्स को इंडिया में बैन ना किया होता। और ये सारा का सारा इसमें तार जो है वो जमा हो गया। सिगरेट्स और ई सिगरेट्स यानी कि वेप, ज्यादा खतरनाक कौन? अगर मैं ये नहीं लेता तो क्या मैं ये ले सकता हूँ? इसके साथ अगर मैं ये पीता हूँ तो क्या नुकसान है? या अगर मैं इसको अकेला यूज करता हूँ तो इसे क्या नुकसान है? हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्सपेरिमेंट के साथ इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ई सिगरेट्स जिनको हम लोग वेप भी कहते हैं और इसको पीने के प्रोसेस को वेपिंग कहा जाता है, पहली बात तो समझते हैं इसको वेप क्यों कहते हैं। जब हम लोग एक सिगरेट जलाते हैं तो उसमें आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद उसका धुआं निकलता है और वो धुआं हमारी बॉडी में जाता है और हम सबको पता है कि वो क्या नुकसान पहुंचाता है। और आज हम इन्हें कंपेयर भी करने वाले। लेकिन वेप के अंदर कुछ जूसेस डाले जाते हैं और इसके अंदर कुछ बैटरीज और कोई एनर्जी सोर्स लगे होते हैं, तो जब भी हम इसे यूज करते हैं तो एक्चुअली में होता यह है कि वो जूसेस वेपराइज होते हैं। तो वेपराइज वर्ड से वेप आया। अब क्योंकि वो बाहर आते हैं तो वो बहुत जल्दी कंडेंस भी हो जाते हैं, तो एक प्रकार से वो वेपर्स को आप इनहेल करते हो। तो यहाँ पे हम लोग धुएं को यानी स्मोक को इनहेल करते हैं और यहाँ पे हम वेपर्स को इनहेल करते हैं, इसलिए इसको वेपिंग कहा जाता है। अब जो वेप है ये दोनों प्रकार से मार्केट में अवेलेबल रहता है, एक होता है निकोटिन फ्री और एक होता है निकोटिन के साथ। अगर मैं निकोटिन फ्री वेप का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या मुझे नुकसान होने वाले हैं? एक सर्वे के अनुसार अगर मैं अलग अलग ईयर्स में बताऊं कि कितने वेप यूज करने वाले लोग हैं, तो एक बार इस डेटा पर नजर डालते हैं। 2013 में 2.6 मिलियन वेपर्स थे यानी कि वेप को यूज करने वाले थे। 2014 में यही 3.7 हो गया, लेकिन वहीं पे 2021 तक आते आते ये 55 मिलियन हो चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज था बच्चों के दिमागों में, खासकर टीनेजर्स में, कि वेपिंग जो है वो बहुत सेफ है हमारी बॉडी के लिए। अब एक डेटा और आपको सुनाता हूँ जिससे आप हैरान रह जाएंगे। 2018 में जो वेपिंग से सेल्स हुई थी वो ही थी 15.7 बिलियन डॉलर। ये सेल एक्सपेक्ट की जा रही है कि 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी ये तो हम समझ रहे हैं कि वेपिंग का क्रेज बच्चों में, टीनेजर्स में, बड़ों में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैंने सिगरेट के ऊपर पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, आप लोगों ने शायद देखी हो, वो मैंने क्लासरूम में किया था। क्योंकि अगेन बहुत सारा धुआं क्रिएट होने वाला है, मैं क्लासरूम में नहीं कर सकता था बच्चों के सामने, लेकिन बच्चों के लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली है, बॉटल के अंदर मैंने कॉटन ले ली है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया है। अब इस छेद के ऊपर सबसे पहले हम लोग एक सिगरेट को लगा के रखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक डिफ्लेटर है, यानी कि हम सबको पता है हमारे घर में पंप होते हैं, यहाँ से हम हवा भर सकते हैं और लेकिन यहाँ से हम हवा को खींच भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा छेद किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इस पंप के डिफ्लेटिंग वाली साइड को इसके अंदर डाल दूंगा। अब मैं जैसे इस सिगरेट को ऑन करके इसको ऑन करूंगा तो ये यहाँ से सारा धुआं खींच के बाहर निकालेगा, लेकिन वो सारा धुआं इस कॉटन से होता हुआ जाएगा, तो जो भी इसमें अनबर्न पार्टिकल्स होंगे या नुकसानदेह चीज़ें होंगी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ लग जाएंगे। बट क्या वेप के साथ भी ऐसा होगा, ये देखते आओ चलो। तो ये हमने अभी एक के साथ तो कर लिया है, एक दो और सिगरेट लगाते इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा धुआं बचा हुआ है, हम इस सिगरेट को यहाँ से निकालते हैं और इसका जो सारा धुआं है एक बार वो खींच लेते हैं। यहाँ पे लगभग लगभग हमने दो सिगरेट्स का इस्तेमाल किया है, तो आप सबको याद होगा कि हमने इसके अंदर वाइट कॉटन को डाला था। तो ये हमने अभी दो सिगरेट्स के साथ किया है और ये सारा का सारा इसमें तार जो है वो जमा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो स्मोक पे एक्चुअली वर्क करती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वेपिंग की साइंस बहुत अलग है, तो वेप के लिए भी मैंने ये बॉटल तैयार की हुई है। इसमें मैंने इसके हेड जैसा लगभग लगभग एक ओपनिंग लगा दी। ओ माय गॉड, अच्छा एक सेकेंड, इसमें ऊपर लाइट भी जल रही है भाई साहब। यार ये फैंसी चीज़ें देख के बच्चा एक्चुअली अट्रैक्ट होता है, और लाइट जल रही है इसमें रेड बुल फ्लेवर है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, टीनेजर्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं।
ये इसके वेपर्स आपको इसके हेड पे दिख रहे होंगे, इसलिए इसको वेपिंग कहा जाता है, क्योंकि ये वेपर्स बनाता है और हम उन वेपर्स को इनहेल करते हैं। तो हमने काफी देर से, एक बार यार मैं मास्क उतारूं क्योंकि मुझे इसमें बोला नहीं जा रहा है भाई, यहाँ तो पूरा रेडबुल वाला फ्लेवर हो गया कमरे में। तो यहाँ पे हमें काफी देर हो गई है और मैं आपको बॉटल्स के हेड पे दिखाता हूँ कि बॉटल के हेड पे भी हमें वेपर्स दिखना शुरू होंगे। हेड पे भी हमें वेपर्स दिखेंगे, ये रे करती है। अब अगर हम इसके अंदर की कॉटन का हाल देखें, तो कॉटन पे एक्चुअली कोई भी तार इकट्ठा नहीं हुआ जैसे कि सिगरेट पे हुआ था। अगर मैं इसको खोलूं और इसके अंदर की कॉटन के बारे में बात करूं, तो कॉटन इसकी लगभग वैसी ही है जैसे पहले थी, क्योंकि वेपिंग जो है वो एक्चुअली में स्मोक के प्रिंसिपल पे काम नहीं करती। यानी अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है सामने कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा तार है, दोनों में किसके पास ज़्यादा निकोटिन है। निकोटिन एक्चुअली इसमें तो है नहीं, ये तो फ्लेवर्ड वेप है। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि जो वेपिंग है ये लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू स्मोकिंग। वेप को बनाया क्यों गया था? वेप को बनाया गया था स्मोकिंग छोड़ने के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, जो लत लग गई थी, हैबिट लग गई थी स्मोक करने की, उन लोगों के लिए ये वेप बनाया गया था ताकि वो वेपिंग से उस एडिक्शन को छोड़ने में उनकी मदद मिले। यानी अगर आप एक चेन स्मोकर हैं और आप वेप पे आते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद चीज, मतलब नॉट इन दैट सेंस कि ये फायदेमंद है। अगर आप स्मोकिंग से वेपिंग पे आते हैं तो आपकी बॉडी में लेस हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। लेकिन आप एक नॉन स्मोकर हैं, आपने कभी स्मोक नहीं किया लेकिन आप वेपिंग कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहला नुकसान, एक रिसर्च के हिसाब से अगर आप ई सिगरेट्स लेते हैं तो आपके फ्यूचर में तंबाकू वाली सिगरेट पीने के चांसेस बाकियों के मुकाबले डबल हो जाते हैं। सेकेंडली, जो वेप होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जो कि वॉलेटाइल होते हैं, वो हमारे लंग्स में जाते हैं और हमारे को लंग इंजरी करते हैं। लंग इंजरी और उससे जो डेथ एसोसिएटेड है उसकी अगर बात करें तो फरवरी 2020 में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा उन्होंने कंफर्म किया था 2800 केसेस थे ई सिगरेट या वेपिंग के जिनसे उनको लंग इंजरी यानी कि इवाली हुआ, और उसमें से 68 डेथ्स जो है वो उस कंडीशन की वजह से हुई। यानी कि ये जानलेवा तो है ही, ये आपकी जान तो ले ही सकता है, प्लस ये हैबिट फॉर्मिंग है। इसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो बॉडी पे अफेक्ट होगा, हेडेक होगा, इसकी भी हमें एडिक्शन हो सकती है। नॉट निकोटिन जैसी एडिक्शन, बट इसकी भी हमें एडिक्शन हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर आप एक स्मोकर हैं, बहुत बड़े स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, तो वेपिंग से हम इसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिर्फ फैशन के लिए, ट्रेंड के लिए, स्टाइल के लिए वेप पीते हैं, जो कि टीनेजर्स में आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो ये आपकी जान तक ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसके और कुछ नुकसान नहीं है, इससे आपको कफ, नौजिया, हेडेक, डिजीनेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माउथ एंड थ्रॉट इरिटेशन, एंड साथ साथ माउथ में ड्राइनेस हो सकती है जो कि आपके सलाइवा ट्रैक को इम्पैक्ट कर सकती है, और अगर सलाइवा ट्रैक इम्पैक्ट हुआ तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाएगा। अगर ये नुकसानदेह ना होता तो इंडिया ने 2019 में यानी कि 2019 में वेप्स को इंडिया में बैन ना किया होता, लेकिन फिर भी इंडिया में वेप्स खुलेआम बिक रहे हैं। और उससे भी बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि अगर कोई चीज़ बैन होती है तो वो सीधा बाकी देशों से इंपोर्ट की जाती है और जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं। अब अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगेंगे तो कोई क्वालिटी चेक भी नहीं होगा। एक तो वैसे ये नुकसानदेह चीज़, सेकेंडली उनका कोई क्वालिटी चेक नहीं हो रहा है। ये तो जहर है, ये तो आपकी जान ले रहा है, इसके डब्बे पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके डब्बे पे भी नहीं लिखा होता। इसके डब्बे पे तो प्यारी प्यारी तस्वीरें बनी होती हैं, कूल लड़कों की, लड़कियों की फ़ोटो बनी होती हैं, और ये लगता है कि इससे आप और कूल हो रहे हैं। इससे आप कूल नहीं, इससे आप नामाकूल बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे नीचे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, और ये वीडियो उन सब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें लगता है कि ये चीज़ें बहुत कूल हैं। थैंक यू सो मच।